हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे ही होंगे। देखिए, हम लोग जो है क्लास 10 की मैथ पढ़ रहे हैं और आज हम लोग देखेंगे उदाहरण नंबर 7, एग्जांपल नंबर 7। ठीक, इसके पहले हम लोग जो है एग्जांपल सारे किए हैं, विस्तार पूर्वक आपको थ्योरी के साथ पूरा पढ़ाते हुए चल रहे हैं और कल के वीडियो में हम फिर पढ़ाएंगे आप लोगों को प्रश्नावली 1.1 के सारे क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक, सारे क्वेश्चन करवाने का मतलब जैसे कि अगर 2-3 क्वेश्चन लगभग सेम ही आ जा रहे हैं तो उनमें से फिर एक आध छोड़े जा सकते हैं, नहीं तो अन्यथा हम लगभग सारे करवाते हैं क्वेश्चन। ठीक, तो आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ाई करिए क्योंकि आप लोग अगर इस टाइम पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं तो आप लोगों को वन डे एग्ज़ाम या कोई भी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम हो आगे के लिए बहुत आसान हो जाएगी आपकी पढ़ाई। अगर आप इस टाइम पढ़ाई नहीं किए तो ज़िंदगी में आप एक समझ लीजिए कि जब 25-26 साल, मतलब ये मान के चलिए 22-23 साल की उम्र जब पार करेंगे ना, बहुत ही टेंशन में बीतने शुरू हो जाएगी आपकी उम्र। ठीक, एकदम ज़िंदगी बोरिंग सी हो जाएगी, परेशान से हो जाएंगे अगर इस टाइम मेहनत नहीं किए तो। ठीक, आप लोगों से गुजारिश है कि अभी मेहनत करते रहिए। देखिएगा, आपका उदाहरण नंबर 7 क्या कह रहा है। कह रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से 180, 252 तथा 324 का मासा ज्ञात कीजिए। अभी तक हम लोगों ने कितना क्या देखा था? अभी तक हम लोग दो संख्याओं का जो है मासा ज्ञात कर रहे थे। अब इस टाइम क्या है, तीन संख्या है, 180, 252 और 324 का मासा ज्ञात करना है और वो भी किस नियम से? इसी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से निकालना है। ठीक, तो इसमें हम पहले करते क्या है, पहले कोई दो संख्या लेते हैं, पहले उसका मासा निकाल लेते हैं, फिर तीसरी संख्या का उस मासा के साथ मासा निकालते हैं। बात समझ में आ रही है मेरी? तो देखिएगा, अब इसमें हम पहले करेंगे क्या, पहले हम देखते हैं कि इसमें जो बड़ी संख्या होती है उसे और जो उससे छोटी होती है उसे। कहने का मतलब यहाँ पर पहले क्या है, 180 है, 180 से बड़े कौन सा है, 252 है और 252 से बड़ा क्या है हमारा, 324 है। तो हम पहले यहाँ पर 324 और 252 लेंगे। देखिएगा, 324 और 252 में क्या होगा, हम 324 में भाग करेंगे किससे, 252 से। आप लोगों को पता ही है यूक्लिड विभाजन का नियम कैसे क्या है। देखा गया भैया, यहाँ पर इसमें हम ले जाएंगे तो कितनी बार भाग जाएगी, एक बार जाएगी, 252 माइनस जब करेंगे तो हमारे यहाँ से कितना जाएगा, 2 और ये 12 हो जाएगा, 12 में से 5 जाएगा तो हमारा कितना जाएगा, 7 और यहाँ पर 0। ठीक, तो इसे हम यहाँ पर लिखते हुए जाएंगे जैसे कि अब तक पीछे की क्लासों में लिख के हम आप लोगों को बताए थे। बात समझ में आ रही है? देखिएगा, आप इसमें जो है आप इसको क्या लिखेंगे, लिख दीजिए कि पहला स्टेप में हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये जो है क्या है, 324 भाज्य है, तो 324 बराबर भाजक हमारा क्या है, 252 और भागफल हमारा कितना गया, 1 और शेषफल कितना आ गया, प्लस 72। इसी तरह से लिखते हैं आप, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, यही तो लिखते हैं। अब देखिएगा, अभी भी हमारा जो है शेष जो है मासा तो इसका प्राप्त नहीं हुआ, तो हम क्या करेंगे, 72 से भाग देंगे किसमें, 252 में। अब देखेंगे हमारा कितनी बार जाएगा, हमें लग रहा है कि 3 बार जाएगा क्योंकि 7 कितना होता है, 21, 3 × 2 = 6 हो जाएगा और 3 से कितना हो जाएगा हमारा, 21। अब इसे हम माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ से एक लेंगे तो ये हो जाएगा 12, 12 में से 6 गया कितना हो जाएगा, 6 और ये 4, 4 में से 1 गया कितना बच गया, 3 और ये 0, 36। अभी भी हमारा मासा नहीं प्राप्त हुआ क्योंकि शेषफल बच गया, जब तक शेषफल 0 नहीं आता तब तक हमारा मासा नहीं प्राप्त होता। तो अब हमारा जो है दूसरा क्या हो जाएगा, यहाँ पर पहला हो गया, अब दूसरा हम देखेंगे हमारा क्या हो गया, यहाँ पर भाज्य आपका क्या हो जाएगा, 252 और भाजक कितना है, 72, भागफल कितना है, 3 और शेषफल आपका कितना आ गया, 36। अब हम क्या करेंगे, 36 से भाग देंगे किसमें, 72 में, 72 में। अब हम देख रहे हैं कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 36 दूना कितना होता है आपका, 72, 72, शेषफल कितना आ गया आपका, 0। अतः हमारा मासा कौन सा हो गया, 36। मासा हमारा यहाँ से प्राप्त हो गया 36, तीसरा ये स्टेप हो गया हमारा।
यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, भाज्य, और भाज्य इसके लिए क्या है हमारा 72, और भाजक क्या है 36, और भागफल क्या है 2, और शेषफल क्या है 0। अतः हमारा मासा कितना हो गया 36। ये मासा जो 36 हुआ है ना वो किसका हुआ है, वो अभी 252 और 324 का हुआ है, लेकिन 180 का है या नहीं है हमें तो तीनों का निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे, 36 और 180 के साथ जो है मासा निकालेंगे, और कैसे क्या करेंगे, जैसे कि इसको हम दिए हैं इसी तरह से अब 180 और 36 में करेंगे। देखिएगा आप क्या करेंगे, हम यहां पर लेंगे 180 और 180 में किससे भाग देंगे, मासा से। मासा यहां पर क्या प्राप्त हुआ हमारा 36। 36 से हम ले जाएंगे भाग, तो हम देख रहे हैं कि लगभग कितनी बार जाएगा हमारा, 3 चौको 12, 3 5 15, 5 बार लगभग जाएगा। देख रहे हैं 5 6 का कितना होता है 30, और 5 3 15, 15 3 कितना हो जाएगा 18। ये तो हमारा सीधे आ गया 0। शेषफल कितना आ गया 0, मतलब यहाँ से भी मासा हमारा क्या हो गया 36। तो अगला भी हम स्टेप क्या यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर हमारा जो है भाज्य कितना है 180, भाजक कितना है 36, भागफल कितना आया 5, और शेषफल कितना आया 0, और हमारा यहाँ पर भी मासा क्या हो गया 36। अतः हम कह सकते हैं कि 180, 252 और 324 का मासा हमारा कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। इसी तरह से आप लोग भी निकाल दीजिएगा, बहुत ही आसान है। ठीक, अगर अगर चार में आपसे पूछ दे, चार संख्याओं में, तो फिर देखेंगे 36 यहाँ पर मासा तीनों का प्राप्त हो ही गया। अब चौथी संख्या कौन सी है, उस चौथी संख्या और 36 का मासा निकाल दीजिए, प्राप्त हो जाएगा आपका। ठीक, तो चलिए अब हम देखते हैं उदाहरण नंबर 8। देखिएगा अगला एग्जाम्पल क्या है, कह रहा है कि यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए ऐसे सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 2053 और 967 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 5 और 7 प्राप्त हो। देखिए ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे क्या करते हैं कि देख रहा है, क्रमशः मतलब क्या है कि अगर हम उस संख्या से कोई एक ऐसी बड़ी से बड़ी जो संख्या है जिससे हम भाग देंगे, अगर 2053 में भाग देंगे तो शेष कितना प्राप्त हो जाएगा हमारा 5 प्राप्त हो गया, और उसी संख्या से अगर हम भाग दे रहे हैं 967 में तो हमारा शेषफल कितना प्राप्त हो जाएगा 7 प्राप्त हो जाएगा। तो देखिएगा एक चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पर यह समझाना चाहूँगा कि आखिर इसको हम ऐसा करते क्यों हैं, जो अभी हम बताने जा रहे हैं उस चीज़ को ऐसा क्यों करते हैं, इससे क्या होता है। देखिएगा जैसे अगर मैं कहूँ कि कोई ऐसी संख्या है 2053 है, और इसमें किसी एक ऐसी संख्या से हम भाग दे रहे हैं कि भाग देने पर शेषफल 5 प्राप्त हो रहा है, शेषफल कितना प्राप्त हो रहा है हमारा 5। अगर हम इसी में से अगर उस 5 को घटा दें, अगर इस संख्या में से हम 5 को घटा दें, तो फिर हम जिस संख्या से भाग देने की बात कर रहे हैं उसी संख्या से अगर भाग देंगे तो हमारा फिर शेषफल तो नहीं बचेगा। तो हम इसमें से अगर 5 घटा दें तो 5 घटाने के बाद हमारा यहाँ पर कितना बच जाएगा भाई, ये 13 हो जाएगा, 13 में से 5 जाएगा तो हमारा कितना आ जाएगा 8, और ये 402 2048 हो जाएगा। 5 घटाने के बाद हमारा कितना हो गया 2048। अब जिस संख्या से हम इसमें भाग दे रहे थे तो शेषफल 5 बच रहा था, लेकिन अब उसी संख्या से हम इसमें भाग देंगे तो शेषफल हमारा क्या कुछ बचेगा, नहीं बचेगा ना, क्यों, क्योंकि इतना भाग देने के बाद जो है शेषफल जो हम घटा दिए ना, शेषफल जो आ रहा था वो घटा दिए। देखिए कहने का मेरा मतलब ये है कि जैसे मैं अगर ये कहूँ कि आप 13 में 2 से भाग करिए, जैसे मैं कहूँ कि कोई एक ऐसी संख्या है कि हम जिससे 13 में भाग कर रहे हैं, 13 में भाग कर रहे हैं तो शेषफल 1 प्राप्त हो रहा है, शेषफल कितना प्राप्त हो रहा है 1। एक और हम संख्या ले रहे हैं 17, कौन सी 17, 18 कर दीजिए आप, क्या कर दीजिए 18। हम ये कहें कि जब 13 में भाग दे रहे हैं तो हमारा शेषफल कितना प्राप्त हो रहा है 1, और जब 18 में उसी संख्या से हम भाग दे रहे हैं तो हमारा शेषफल कितना प्राप्त हो रहा है 2 प्राप्त हो रहा है। तो हम करेंगे क्या कि 13 में से 1 घटा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 12, और 18 में से 2 घटा देंगे तो हम कितना आ जाएगा 16। यहाँ तक बात क्लियर हुई। अब हम ये कहेंगे कि इन दोनों संख्या में उस बड़ी से बड़ी संख्या से किससे भाग दिया जा रहा था तो शेषफल 1 और शेषफल 2 प्राप्त हो रहा था, तो हम कैसे प्राप्त करेंगे। यहाँ पर अब ये जो 12 है वो उस बड़ी से बड़ी संख्या से 12 कट जाएगा, और ये 16 जो है उस बड़ी से बड़ी संख्या से कट जाएगा। तो बड़ी से बड़ी संख्या हम प्राप्त कैसे करते थे, मासा कर गया, मासा निकाल के ना, कि जो कि दोनों संख्या कट जाए उस बड़ी से बड़ी संख्या की। तो 16 और 12 का जब हम मासा निकालेंगे तो क्या करेंगे, 12 एकम
12 माइनस करेंगे 4 हो जाएगा, फिर 4 से जो है 12 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, और इसको माइनस करेंगे 0, तो हमारा मासा कितना आ गया 4। इसका आंसर यही हो गया। ठीक, तो आप लोग देखिए इसको धीरे धीरे कोशिश करिएगा समझने की, अभी समझ में आएगा आप लोगों को, देखिएगा। अब इसको हम क्या करते हैं, घटाने के बाद कितना है 2048। अब देखिएगा हमारा दूसरी संख्या कौन सी है, 967, और 967 को जब हम भाग दे रहे तो शेष कितना प्राप्त हो रहा था, 7। हम 7 को जो है 967 में से घटा देंगे, किस में से, 967 माइनस 7 कर, माइनस कितना करना है, 7 करना है। अब जब इसको माइनस करेंगे तो हमारा कितना जाएगा 960। जिस संख्या से हमें भाग देने पे शेषफल 5 बच रहा था और शेषफल 7 बच रहा था, तो हम शेषफल ही घटा दिए इस संख्या से। अब शेषफल घटा दिए तो उस संख्या से अब इन संख्याओं में भाग देंगे तो क्या शेषफल कुछ बचेगा, नहीं बचेगा। तो वो बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या है जिससे कि इन दोनों में भाग चला जाए, बड़ी से बड़ी संख्या हम पूछ रहे हैं, छोटी से छोटी नहीं, छोटी से छोटी तो हम देख के ही बता देंगे कि 2 से भाग दे दीजिए दोनों में चला जाएगा, छोटी से छोटी नहीं चाहिए हमें, बड़ी से बड़ी ऐसी कौन सी संख्या जिससे कि दोनों में भाग चला जाए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, मासा निकालते हैं। तो मासा जो है यूक्लिड विभाजन से हम कैसे निकालते हैं, क्या करेंगे 2048 लेंगे, 2048 में हम किससे भाग देंगे, 960 से। अब हम देखेंगे कि हमारा कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, कितनी बार भाग हम ले जाएंगे, 2 बार ले जाएंगे, और 2 बार ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12 और 9 दूनी 18, 18 1 19। इसको माइनस जब हम करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा, इसको माइनस करेंगे 2 हो जाएगा, ये 10 10 में से 9 जाएगा 1 0, 128 हो गया, कितना हो गया 128 हो गया। अब इस चीज़ को हम यहाँ पर लिख देंगे, देखिए क्या आया हमारा, पहले भाज्य, भाज्य कितना है 2048, और जो है आपका बराबर भाजक कितना है 960, और भागफल कितना है 2 प्लस शेषफल कितना आया 128। अभी भी हमारा मासा नहीं प्राप्त हुआ। अब देखिए मासा प्राप्त करने के लिए हम 128 से किस में भाग देंगे, 960 में। हम देख रहे हैं कि अब लगभग हमारा कितनी बार जाएगा, 12 3 36, 12 4 48, 12 25 60, 12 6 72, 12 7 84, 12 8 96, 8 बार अगर हम ले जाएंगे तो हमारा ज़्यादा हो जाएगा, तो हम कितनी बार ले जाएंगे, 7 बार ले जाएंगे, 7 8 हमारा कितना हो जाएगा 56, आपका हासिल कितना बचा 5, 7 2 14, 14 और 5 कितना हो जाएगा 19, 7 1 7, 7 1 कितना हो जाएगा 8। अब इसको माइनस करेंगे तो यहाँ हो जाएगा ये 10, 10 में से 6 गया कितना हो जाएगा 4, और ये बचा 5। अब यहाँ से एक हासिल लेंगे जो है कैरी लेंगे तो कितना हो जाएगा 15, 15 में से 9 जाएगा तो कितना आ जाएगा 6, और ये यहाँ पर 8 बचा, और 8 में से 8 गया 0, 64। अभी भी हमारा जो है शेषफल शून्य नहीं प्राप्त हुआ, मतलब कि अभी भी हमारा मासा नहीं प्राप्त हुआ। तो अब दूसरा हमारा क्या यहाँ पर हो गया, यहाँ पर जो हमारा जो है भाज्य कितना है 960, और भाजक यहाँ पर कितना है 128, भागफल कितना प्राप्त है 7, और शेषफल यहाँ पर कितना प्राप्त हो गया 64। अब हम क्या करेंगे, 64 से भाग देंगे किस में, 128 में। 128 में जब हम 64 से भाग देंगे तो देखेंगे हमारा कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 2 बार ले जाएंगे, 4 2 8 और 6 2 12। हम देख रहे हैं कि अब शेषफल हमारा 0 आ गया, तो हमारा मासा कौन सा हो गया 64। अब अगर हम, ये हमारा मासा 64 प्राप्त हो गया, मतलब कि इस 64 से अगर हम इन दोनों में भाग देंगे तो हमारा शेषफल तो 0 प्राप्त होगा, लेकिन इस संख्या में भाग देंगे तो हमारा शेषफल कितना प्राप्त होगा, 5 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा 5। अतः हमारी कौन सी संख्या है, 64 ऐसी संख्या है जिससे हम 2053 और 967 में भाग देने पर शेषफल क्रमशः कितना प्राप्त हो जाएगा, 5 और 7 प्राप्त हो जाएगा। अगर आप लोगों को ये और भी प्रूव करना है तो आप लोग अब इसमें भाग भी कर लीजिएगा, ठीक, 64 से भाग दे दीजिएगा, इसमें देखिएगा शेषफल 5 प्राप्त होगा, और 967 में जब आप 64 से भाग देंगे तो आप देखेंगे कि आपका शेषफल कितना प्राप्त हो जाएगा, 7 प्राप्त हो जाएगा। ठीक, तो आपका आंसर मिल गया कि 64 वह संख्या है जिससे हम भाग करेंगे तो शेषफल 5 और शेषफल 7 प्राप्त हो जाएगा। ठीक, और मन करे तो अब यहाँ पर तीसरा आप स्टेप लिख सकते हैं, 128 = 64 गुणे भागफल कितना है 2, शेषफल 0 आपका आएगा। ठीक, तो मासा कितना आ गया आपका 64। यहाँ तक बात क्लियर हुई। अब देखिएगा आपका उदाहरण नंबर जो 9 है, इस प्रकार के उदाहरण में ही हम आप लोगों को करवा चुके हैं सम विषम के लिए, और आपका जो है विषम धन पूर्णांक का वर्ग, ये भी उदाहरण नंबर 10 इस प्रकार का भी करवा चुके हैं आपको उदाहरण। और अभी आगे जो है प्रश्नावली 1.1 जो है, इस प्रकार के सवाल मिलेंगे भी आपको उदाहरण 9 और 10 के जैसे। ठीक, इस वजह से हम उदाहरण 9 और 10 आज नहीं करवाएंगे, अब उसको सीधे प्रश्नावली 1.1 में ही देखेंगे, क्योंकि उस
उसके पहले भी मैंने वैसा करवा चुका है। ठीक, आप लोग खुद से उसको कोशिश करिएगा, अगर नहीं समझ में आएगा तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं उसको फिर से दोनों करवा दूँगा। ठीक, तो अब हम फिर कल की क्लास में मिलते हैं, प्रश्नावली 1.1। तो अभी समय तो बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है, लेकिन अब क्योंकि हमें प्रश्नावली 1.1 नया शुरू करना है, तो इस वजह से हम अब कल की ही क्लास लेंगे। ओके, आप लोग मन लगा के पढ़ाई करिएगा ताकि आगे चल के प्रॉब्लम ना हो। देखिए, मैं हर एक क्लास में ये बातें बोलता हूँ कि आप लोग मन लगा के पढ़ाई करिए, क्योंकि आगे यही चल के फिर आप लोगों को पढ़ना है। तो आगे चल के पढ़ना ही है, तो बेटर है कि अभी पढ़ लो ना। ठीक, तो चलिए फिर कल मिलते हैं। जय हिंद।